नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका विनिंग एज स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडजॉइंट इनवर्स वगैरह निकालना सीखा था, और प्लस एक चीज और सीखी थी हम लोगों ने यह सीखा था कि जैसे मैट्रिसेस के चैप्टर में हम लोगों ने एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना सीखा था, उसी तरीके से उसी सेटिस्फेक्शन वाले इक्वेशन से हम लोगों को अब क्या निकालना था, इनवर्स। तो हमने वो भी सीखा था, याद है? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो क्वेश्चन कर भी लिए होंगे अभी तक। लेकिन डाउट किसी बच्चे का सेंड नहीं हुआ तो मैं यही उम्मीद करके चलूंगा। लेकिन बच्चों, अभी भी समय है, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को कीजिए और मेरे को सेंड कीजिए, ठीक है? इस तरीके से काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों, तो इसलिए आप लोग ये सब कीजिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन और रह गया था, एक बच्चे ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, तो देख लीजिए। इसमें कोई खास है नहीं कुछ भी। देखो क्या बोला है भाई, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो बच्चों इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ए स्क्वायर निकालना है। तो यार पहले ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर निकाल लो। ए 3 2 1 1, 3 2 1 1, चलो ए स्क्वायर निकालो। क्या बनेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2, फिर 3 और ये 1, फिर 2 प्लस 1। तो आपका ए स्क्वायर क्या आया बच्चों? ए स्क्वायर आया 11 8 4 3, ये आया आपका, ठीक। अब आपको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है, और कह रहा है ये वाला ए और ये वाला बी फाइंड करो। सिंपल, अरे नाउ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0। मैट्रिक्स के बारे में हमें नॉलेज है ही, ए स्क्वायर क्या है हमारे पास? 11 8 4 3, ठीक। प्लस ए कितना है? ए ए तो ए ही है, और ये वाला ए कितना है? 3 2 1 1। प्लस बी कितना है? बी तो बी है। आई कितना है? 1 0 0 1 बराबर, भाई क्या इधर क्या था? 0, ठीक है, बराबर क्या था? 0। तो चलो 0 वाले मैट्रिक्स को भी हम 0 0 0 ले लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। अच्छा अब एक काम कीजिए, इसके साथ वेरिएबल है ना, इसके साथ वेरिएबल है, तो वेरिएबल को छोड़ दो और बिना वेरिएबल वाले को उठा के उस तरफ ले जाओ, ठीक है? बिना वेरिएबल वाले को उठा के उस तरफ ले जाओ, ठीक। तो ये उधर जाएगा, क्या बनेगा? अच्छा ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 3a प्लस 2a, ए सॉरी ए और ए, और वो बनेगा b 0 0 b, ठीक है। और ये प्लस की चीज उधर आके माइनस की हो जाएगी, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये ऐसे हो जाएगा, चलो 0 0 0 0 माइनस 11 8 4 3, ठीक है। अच्छा इसको आप सॉल्व कर लो, तो क्या बन जाएगा? 3a प्लस b 2a, ए ठीक है, और ये बन जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, बराबर। ये तो क्या हो जाएगा? माइनस का ही हो जाएगा सब कुछ, माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 3, सब कुछ यही हो गया। तो अब वैल्यू निकालनी है बच्चों हमें, अब हमें क्या निकालनी है? वैल्यू। तो देखो ए की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, है ना? तो ए की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई -4 बाय कंपेयरिंग। अच्छा अब इसको इससे कंपेयर कर दो, तो ए प्लस बी बराबर क्या है? -3। जहां पे ए की वैल्यू कितनी है? -4, तो -4 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 4 -3। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई? -4। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतने बिल्कुल सिंपल सिंपल सरल सरल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सोचना और आंसर निकाल देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसी के बारे में कुछ डिटेलिंग करनी है। नोट कीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से इसके बारे में बात करने जा रहे थे हम लोग कि एडजॉइंट ए जो होता है वो प्यारे बच्चों बराबर होता है डिटरमिनेंट ए के, समझ रहे हो? अच्छा अब ये रूल आपको याद रखना है कि जो एडजॉइंट ए होता है वो डिटरमिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि अगर एडजॉइंट ए की वैल्यू 25 है तो बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल तो बताइए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल है बच्चों, अब मुझे एक बात बताइए, एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है? 25। तो इसका स्क्वायर यहां क्या क्या बन जाएगा? रूट। तो आंसर कितना आया? 5। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। अच्छा मान लीजिए ये दे दिया गया है भाई 6 एडजॉइंट ए बराबर 216, और पूछा है
कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बताओ। अरे तो सिंपल भाई, 6 से इसको काटोगे तो कितना बनेगा, 36 बनेगा। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 36। और ये होता किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो स्क्वायर वहां चला जाएगा, अंडर रूट 36, तो कितना आ गया 6। तो एडजॉइंट कितने, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया प्यारे बच्चों, ए 6। कितना आ गया, कितना आ गया 6। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो सभी बच्चों को ये बात ध्यान देनी है कि इन सारे क्वेश्चनों को आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है? और इस रूल को ध्यान रखना है। अगर ये रूल याद हो गया तो आप इन क्वेश्चनों को कुछ भी नहीं समझेंगे, बच्चों का खेल होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें सेम वही काम करना है आपको, डिटर्मिनेंट निकालना, कोफैक्टर निकालना, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या भाई, इनवर्स निकालना। बस एक एक्स्ट्रा काम और जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग इसे एक नया नाम देते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या नाम देते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आइए सॉल्व करते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है? लेकिन इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन खुद करने हैं, ठीक? मैं एक क्वेश्चन टैकल करा रहा हूं, ठीक है? अब जल्दी बोलो, 3 ऑर्डर का कराएं या 2 ऑर्डर का कराएं? चलो 3 ऑर्डर का करा देते हैं, खुश रहो। हाँ जी, 3x-2y+3z=8 और 2x+y-z=1, 4x-3y+2z=4, ठीक है? तो ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक? इसके बाद सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, ये लास्ट क्वेश्चन समझ लो, ठीक है? आप कहोगे सर इतनी जल्दी क्लास क्यों छोड़ रहे हो? अरे भाई सब्र कर लो, पहले इसको देखो, इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें बोला गया आपको कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है जी? करते हैं सॉल्व। चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब यहां पे ए कौन है? यहां पे ए कौन है? तो ए है, देखो ये 3 y के साथ -2 z के साथ 3 x के साथ 2 y के साथ कुछ नहीं है तो 1 z के साथ सिर्फ माइनस है तो -1 x के साथ 4 y के साथ -3 z के साथ 2। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। अब x कितना आ गया, x y z, ये आपका x आ गया। b कौन है? b है इक्वल के इस तरफ वाला 8 1 4। क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा अब क्या करना है, नाउ अब आपको डिटर्मिनेंट a निकालना है। अब आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अब निकालिए जरा डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलता है। 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 -1 -3 2, --2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 -1 4 2 +3, तो क्या बन गया 2 1 4 -3। ये सभी बच्चों को पता है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक? सॉल्व कीजिए डिटर्मिनेंट ए। तो 3, हाँ जी सॉल्व करेंगे, 2 -3, पता ना कैसे, माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, माइनस माइनस प्लस का 2, 4 प्लस में 4, ठीक है? और ये है 3 माइनस का 6 माइनस का 4, तो ये आ गया 3 -1, 2 और 8 -10, ये आ गया -3 16 -30। हाँ भाई, -33 प्लस में 16 -17, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, -17। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, -17। यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? अच्छा यहां तक आप देख लीजिए मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, कि डिटर्मिनेंट निकालते ही एक बात का ध्यान रखना सभी बच्चे। क्या ध्यान रखेंगे? कि डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 0 आ गया ना तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन फेल हो जाएगी। 0 आ गया तो बस आप यहां पर लिखेंगे
अब यहां लिखेंगे सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी कि वैल्यू माइनस में आ सकती है, प्लस में आ सकती है, लेकिन जीरो नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो माइनस में आ गई है तो क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, प्लस में आ जाती है तब भी यही लिखते, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है? अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखिए, हाँ अब लिखेंगे नाउ कोफैक्टर, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालो, हर बच्चे को पता कोफैक्टर कैसे निकलेगा, ए वन वन, तो कैसे, वन वन ये बचा, तो क्या बचा, वन माइनस थ्री टू, सॉल्व करो, टू माइनस 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 का थ्री माइनस का वन, ए वन वन, ए वन टू, ए वन टू, वन टू, तो टू माइनस वन फोर टू, टू माइनस वन फोर टू, वन टू, हाँ जी बच्चों, वन और टू कितना होता है, थ्री, थ्री ऑड है, हाँ जी, कौन सा नंबर है ये, ऑड नंबर है, तो बस माइनस, तो ये आ गया फोर, माइनस माइनस प्लस का फोर, तो ये तो आ गया माइनस का एट, ए वन टू माइनस का एट, ठीक है? तो बच्चों ए वन वन आ गया, ठीक है? अब निकालेंगे क्या, ए वन थ्री, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बना, टू वन फोर माइनस थ्री, सॉल्व करो, माइनस का सिक्स और ये माइनस का फोर, तो यानी ए वन थ्री कितना आ गया, माइनस का टेन, ठीक? फिर आएगा ए टू वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बना, माइनस का टू, थ्री माइनस थ्री और ये टू, लेकिन टू और वन तो ऑड होता है, तो माइनस, माइनस का फोर और प्लस का नाइन, तो ये आ गया कितना, फाइव, तो यानी आ गया माइनस का फाइव, ठीक है? ए टू वन माइनस का फाइव, अगला ए टू टू, तो टू टू कितना आया, थ्री थ्री फोर टू, थ्री थ्री फोर टू, इवन नंबर है टू टू, तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये कितना हो जाएगा, सिक्स, ये हो जाएगा ट्वेल्व, आंसर माइनस का सिक्स, ए टू टू। अच्छा अगला क्या है, ए टू थ्री, टू थ्री तो कितना आया, थ्री माइनस टू और फोर माइनस थ्री, तो टू थ्री तो ऑड होता है ना, तो माइनस लगेगा, माइनस का नाइन प्लस का एट, तो कितना आया, माइनस का वन, तो प्लस का वन हो गया, है ना? तो ये आ गया टू थ्री, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक? चलो यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो फटाफट, यहां तक नोट करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करो और नोट करो, तो यहां तक तो नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है? यहां तक नोट कर लिया होगा, ठीक है? अच्छा टू थ्री तक हो गया, अगला क्या है, ए थ्री वन, हाँ जी थ्री वन, ओहो वो तो मिटाई दिया यार, सॉरी, चलिए मैं इसमें से कर लेता हूं देख के, ठीक है? हाँ जी, तो क्या था, मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, सॉरी, था थ्री माइनस टू थ्री और था टू वन माइनस वन फोर माइनस थ्री टू, ठीक है? यही था ना, चलो यहां से करेंगे अब। अच्छा हमें क्या बनाना था, ए थ्री वन, तो थ्री वन, हाँ जी थ्री वन क्या बना, माइनस टू थ्री वन माइनस वन, ठीक है? तो थ्री और वन इवन नंबर होता है, तो चलिए टू माइनस थ्री आ गया माइनस का वन, ए थ्री वन, कोई दिक्कत? अच्छा अब ए थ्री टू, थ्री टू तो क्या बना, थ्री थ्री टू माइनस वन, अब ये थ्री और टू तो फाइव होता, ऑड आ गया, तो ये आ गया भाई माइनस का थ्री माइनस का सिक्स, तो ये माइनस का नाइन, तो प्लस का नाइन हो गया, ए थ्री टू, ठीक है? नाउ अब क्या है, ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री, हाँ जी ए थ्री थ्री आने के बाद क्या हो गया, हाँ जी ए थ्री थ्री आने के बाद क्या हो गया, थ्री थ्री, तो क्या आ गया, थ्री माइनस टू टू वन, इवन नंबर है, करो सॉल्व, थ्री प्लस फोर कितना आ गया, सेवन, ए थ्री थ्री, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए अब क्या करना है, नाउ अब आपको यहां पे लिखना है, अब यहां पे लिखना है आपको, ठीक है? यहां पे लिखो, हेंस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो
इनवर्स इज एग्जिस्ट, सो द इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है, सो द इनवर्स इज एग्जिस्ट, या बस इतना सा लिखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सेम काम वही एडजॉइंट वाला, सेम काम एडजॉइंट वाला, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। देखो वही काम कर रहे हैं, पहले हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट, फिर हमने क्या निकाला, कोफैक्टर, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एडजॉइंट निकालेंगे और ऊपर ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए, ए वन वन जल्दी बताओ क्या है, माइनस का वन, ए वन टू माइनस एट, ए वन थ्री माइनस टेन, ए टू वन माइनस फाइव, ए टू टू माइनस सिक्स, ए टू थ्री वन, ए थ्री वन माइनस वन, ए थ्री टू नाइन, ए थ्री थ्री सेवन, कोई दिक्कत, ट्रांसपोज एडजॉइंट ए, तो ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस वन माइनस एट माइनस टेन, माइनस फाइव सिक्स वन, माइनस वन नाइन सेवन, ये हो गया आपका ट्रांसपोज, क्या हो गया, ट्रांसपोज। तो अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, देखो अब ये सब मिटाओ, ठीक है, अब ये सब मिटाओ, यहां सॉल्व करो। हाँ जी, अब क्या लिखेंगे हम, एडजॉइंट ए लिख लिया, अब लिखेंगे, लिखेंगे ए इनवर्स हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, नहीं ये नहीं लिखेंगे, नाउ ऐसे लिखो, अभी यूनिक सॉल्यूशन तो अब आएगा। हाँ हम लिखेंगे, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए कितना है आपका, एडजॉइंट ए है माइनस वन माइनस फाइव माइनस वन, माइनस एट माइनस सिक्स नाइन, और क्या है, माइनस टेन वन और सेवन, और डिटर्मिनेंट कितना था, माइनस का 1/17, कितना था, माइनस का 1/17। अच्छा मैं ना माइनस से ना छुटकारा पाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, माइनस को अंदर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, प्लस वन प्लस फाइव प्लस वन, प्लस एट प्लस सिक्स माइनस नाइन, प्लस टेन माइनस वन माइनस सेवन, देखो माइनस अपने आप कम हो गए, अब थोड़ा रिलीफ मिलेगा, सही बात है। चलिए तो यहां तक तो आ गया, अब लिखेंगे, नाउ 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 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक कैसा ये सॉल्यूशन है हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, हम क्या लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा अब ए यहां मल्टीप्लाई कर रहा, उधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो बी अपॉन में ए, ए को उठा के ऊपर ले जाओ, तो आपने छोटी क्लासों में सीखा क्या बनता है, ये जल्दी बोलो क्या बनता है, ए इनवर्स इनटू में बी, यानी अरे ए को ऊपर ले जाओगे तो पावर उसकी इनवर्स हो जाएगी ना, तो ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत है नहीं, बस आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए को उस तरफ लेके जाओगे तो ये बनेगा ए इनवर्स इनटू में बी, क्या बनेगा, ए इनवर्स इनटू में बी, बस इतनी सी कहानी है। और अब सॉल्व करना है, फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं कि क्या करना है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बस एक स्टेप का और रह गया है। चलिए बच्चों तो देखते हैं, अच्छा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यही था ना, x कितना था आपका, x y z, a इनवर्स कितना है आपका, 1/17, 1 5 1, 8 6 माइनस 9, 10 माइनस 1 माइनस 7, ये आपका इनवर्स, ए इनवर्स। अच्छा बी कितना था, 8 1 4, यही था ना बी, क्या था बी, 8 1 और 4, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई जेड, हाँ जी 1/17 यहीं छोड़ दो, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 8 से करेंगे 8, 5 को 1 से करेंगे 5, 1 को 4 से करेंगे 4, हो गया भैया तक। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम आगे है ही नहीं, तो 8 को 8 से करेंगे 64, 6 को 1 से करेंगे 6, 9 को 4 से करेंगे -36, ठीक है। अच्छा अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 10 को 8 से करेंगे 80, -1 को 1 से करेंगे -1, -7 को करेंगे तो -28, तो 1/17 ये आ गया आपका, कितना आ गया, 8 5 13 4 17, 64 और 6 70, 70 में से 36 गया, कितना आ गया,
34। अब ये कितना हो गया, 80, 28 और 1 29, 80 में से 29 गया, आ गया 51, 51। चलो बच्चों डिवाइड कर दो, 17 को 17 से करोगे 1, 17 को 34 से करोगे 2, 17 को 51 से करोगे 3। तो लो जी x y z, अब आपको पता ही, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है, बस इतना सा ही हमें काम करना था। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जो काम किया, इसी का नाम है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अब तक हम जो काम कर रहे थे वो इनवर्स निकालने तक का, हमारे पास बस एक काम एक्स्ट्रा जुड़ गया है, और उस एक्स्ट्रा काम का नाम है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन बच्चों ये था। और इस प्रकार से हमारे पास ये सारी चीजें अब क्या हो गई हैं, आ चुकी हैं। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, अब समस्या ये है कि अब आप ये नोट कर लोगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, अब आपके सामने नई चीज क्या आएगी, कभी कभी इक्वेशन ऐसे आ सकती है, जैसे मैं बता दूं 3x + y + z = 8, ठीक है, और फिर आएगा ये, मान लीजिए आ गया 2x + 4z = ये 9 आ गया, ऐसे। तो अब इसमें y तो है ही नहीं, तो क्या करें? तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में पता है क्या करोगे, आप y 0 ले लोगे, और अगर x वाला नहीं है तो x 0 ले लोगे, जेड वाला नहीं है तो जेड 0 ले लोगे। मतलब घबराना नहीं है, जो चीज नहीं दिखाई दे 0 ले लो, माइनस में दिखाई दे तो माइनस के साथ ले लो, बिना माइनस के दिखाई दे बिना माइनस के ले लो। तो मतलब आपको बस सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग चलने हैं। इनवर्स तक हमने सीख लिया था, आगे का हमने ये सॉल्व कर लिया। इसी के साथ आपको होमवर्क में प्रसाद के रूप में 4.6 दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रसाद ग्रहण करें, और नेक्स्ट क्लास में ये होमवर्क और पिछला होमवर्क दोनों सेंड करें, क्योंकि आप लोग इतने बड़े महारथी बन चुके हो कि आज की क्लास का होमवर्क 3 साल बाद देने में विश्वास करते हो। तो ऐसा मत करो, 12th क्लास में बहुत बड़ी नींव खड़ी करनी पड़ती है, और उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत। तो चलो शुरू हो जाओ मेहनत करना, और 4.6 और 4.5 दोनों एक्सरसाइज मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर रूप से चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और इसको सही से नोट कीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मेरे को प्रॉपर रूप से होमवर्क चाहिए। तो सभी बच्चे रेडी होके, अच्छे से नहा धो के, फ्रेश होके, अच्छे से होमवर्क मुझे प्रोवाइड कराइए, ठीक है। चलिए बाय।